प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अध्याय दो के अंतर्गत अधिगम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि ईएल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है कि जो भी हम सीखते हैं वह किस प्रकार से सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। चूँकि आप पिछले वीडियो व्याख्यानों में आपने देखा कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, और किस तरह का परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तो उसी संदर्भ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो प्रमुख सिद्धांत थे, जो कि ईएल थॉर्नडाइक द्वारा जो सिद्धांत दिया गया या जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया, वह सिद्धांतों के क्षेत्र में पहल मानी जाती है। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसमें था कि जब अधिगम की प्रमुख सिद्धांत की बात जब हम कर रहे थे, तो उन सिद्धांतों में जो थॉर्नडाइक थे, उनकी एक पीएचडी थीसिस थी, उसके अंतर्गत उन्होंने इस सिद्धांत को लाया था। तो उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, कि नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसमें जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत था उसको कई नामों से जाना जाता है। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसे संबंधवाद के नाम से जानते हैं। संबंधवाद यानी यस और आर के बीच संबंध, यस और आर, अभी हम आगे आपको बताएंगे, यस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स। तो संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, यस आर थियरी भी कहा जाता है इसको, सीखने का संबंध सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थियरी, जिसमें आप देखेंगे कि किसी कार्य को जब हम करते हैं तो हम अचानक से कोई कार्य नहीं सीख पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुरंत सीख लेते हैं। या आप छोटे बच्चों को देखें, अगर वह चलना जब सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे खड़े होते हैं और चलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बार बार प्रयास करते हैं, कभी घुटनों के बल, फिर धीरे धीरे कुछ सहारा पकड़ कर चल खड़े होते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, चल खड़े होते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जहां हम प्रयास करते हैं उसमें त्रुटि होती है, त्रुटियों में सुधार करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने त्रुटियों में सुधार करते हुए किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वह प्रयत्न करने पर होती है, और बाधाओं या जो बाधा आती है या त्रुटि होती है उसको दूर करने से होता है। लगातार प्रयत्न करने में प्रगति होती है, और भूलें जो होती हैं वो कम होती, यानी कि जो त्रुटियां होती हैं वो कम होती हैं। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने में भूलों का ह्रास होता है, यानी भूल जो होती है या त्रुटि होती है उसकी कमी होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का नाम दिया गया। जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सामने कोई विशेष उद्दीपक होता है, यानी कि आप जानते हैं कि व्यक्ति कभी भी बगैर उद्दीपक के कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, यानी कि व्यक्ति अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है या कोई उद्दीपक होता है। जैसा कि उद्दीपक क्या होता है, यह प्रश्न अगर आता है तो कोई भी घटना, वस्तु या व्यक्ति जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने में सक्षम होती है वह उद्दीपक कहलाती है। तो जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि जो भी उद्दीपक होता है, जैसे अगर आप अभी सड़क पर जा रहे हैं, अचानक गाड़ी अगर सामने से गुजरती है तो आप क्या करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी के जस्ट जाने के बाद धूल आएगी और हमारी आँख में आएगी। तो क्या है, एक उद्दीपक ज्यों ही गुजरता है या ये ज्यों ही आपके सामने होता है तो आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो उसी को एक तरह से उद्दीपक का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित होता है। क्या होता है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप एक संबंध स्थापित कर लेते हैं या सीख जाते हैं कि अगर गाड़ी गुजरती है तो धूल आएगी और धूल हमारी आंखों में जाएगी तो हमें पेन होगा, दर्द होगा। इसके आधार पर आपके साथ एक संबंध स्थापित होता है उस उद्दीपक के साथ कि जब ही गाड़ी गुजरेगी हम आंख बंद कर लेंगे। तो इस तरह से एक संबंध स्थापित होता है किसके, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या
संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और दूसरे नाम से यस आर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस नाम है, सबसे अधिक फेमस नाम है, वह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। तो आइए अब देखते हैं कि जो इन्होंने प्रयोग किया था, यानी कि किस प्रयोग के आधार पर इन्होंने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, उन्होंने एक पिंजरा बनाया था और पिंजरे में आप देख रहे होंगे बिल्ली है, सफ़ेद बिल्ली है। तो इस तरह से उन्होंने अपना प्रयोग किया था, यानी कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग में उन्होंने एक बॉक्स बनाया, एक पिंजड़ा बनाया और वह पिंजड़े की जो संरचना थी वो इस प्रकार से थी कि अंदर एक सिटकिनी, आप ये देख रहे हैं ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला ये सिटकिनी होती थी, अगर उसको दबाया जाता था तो ये दरवाज़ा, आप देखें ये सिटकिनी है, यहाँ से ये निकल जाता था और दरवाज़ा खुल जाता था। तो इस तरह से उन्होंने एक बॉक्स बनाया, एक पिंजड़ा बनाया और बिल्ली को लगभग एक दो दिन तक भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद बिल्ली को उसमें बंद कर दिया गया और बाहर क्या रखा गया, बिल्ली का जो पसंदीदा भोजन होता है मांस बाहर रखा गया। और चूँकि बिल्ली भूखी थी और जब वह बाहर मांस देखी तो मांस खाने के लिए प्रयत्न करने लगी, तो वह बार बार प्रयत्न कर रही थी कि बाहर हम कैसे निकलें। तो चूँकि पिंजरा बंद था, यानी कि जो पिंजरा बनाया गया था, वो जो बॉक्स बनाया गया था वो बंद था, वो बाहर निकलने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करने लगी, प्रतिक्रियाएं करने लगी, पंजे मारने लगी, खरोंच करने लगी, इधर उधर कूदने लगी या जो भी प्रतिक्रियाएं वो कर सकती थी वो करने लगी। लेकिन उसी प्रतिक्रिया के दौरान अचानक उसका जो पैर था वह इस सिटकिनी पर पड़ जाता है, आप देख रहे होंगे ये सिटकिनी है, इस सिटकिनी पर पड़ता है और पड़ते ही ये दरवाज़ा खुल जाता है जिससे बिल्ली बाहर आ जाती है और मांस खा लेती है। तो इस तरह से यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और फिर देखा जाता है कि धीरे धीरे बिल्ली को यह पता हो जाता है, धीरे धीरे वो ये समझ जाती है कि इस सिटकिनी को दबाने से, इस सिटकिनी को अगर हम दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से जब वह बार बार प्रयास करने के पश्चात वह अपनी गलतियों में सुधार की कि कहीं पंजा नहीं मारना है, कहीं इधर उधर कूदना नहीं है, हमें क्या करना है, सिटकिनी दबाना और बाहर निकल जाना है। तो इस तरह से वह उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी कि जो उद्दीपक है, यानी कि उद्दीपक क्या है कि वह सिटकिनी को दबाना है, या उद्दीपक जो है वो बाहर मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे, यानी कि अपने बार बार प्रयत्न करने पर और भूलों को अपने कम करने पर वह सीख जाती है कि हमें पिंजड़े से किस तरह से बाहर निकलना है। और बिल्ली को जो ही बंद किया जाता था वह सिटकिनी दबाती थी और पिंजड़े से बाहर निकल जाती थी। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने साबित किया कि जो भी हम सीखते हैं वह ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखते हैं, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। तो यह था प्रयोग जिसके द्वारा उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। इसी के साथ साथ आपको पिछले वीडियो व्याख्यानों में हमने पढ़ाया होगा कि सीखने के तीन नियम मुख्य रूप से होते हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, जो ईयल थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यह नियम इसी सिद्धांत पर पूरी तरह से कार्य करता है। तत्परता का नियम, यह नियम होता है कि अगर बिल्ली तत्पर न हो कि हम भोजन हमको चाहिए तो वह कभी भी प्रयास नहीं करेगी बाहर आने के लिए। अगर आप बिल्ली को पेट भर खूब खाना खिला दीजिए और फिर बाहर मांस का टुकड़ा रखिए तो वो खाना मांस के टुकड़े की तरफ ध्यान नहीं देगी, आराम से सोएगी, क्योंकि उसको तत्परता नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है अभी भोजन की। तो इसीलिए बिल्ली को दो दिन भूखा रखा गया था ताकि उसमें तत्परता हो भोजन प्राप्त करने की। इसी तरह से जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो जब तक आप में तत्परता नहीं होती है तब तक आप नहीं सीखते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। कहा जाता है कि आप घोड़े को जो है तालाब तक खींच कर तो ला सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते उसको, क्योंकि जब तक उसके पानी पीने की इच्छा नहीं होगी तब तक वह पानी नहीं पिएगा, क्यों ना आप तालाब के अंदर उसको घुसा दें, ठीक है। तो ये होता है तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम, आप देखें कि बिल्ली जब बार बार वही प्रक्रिया करने लगी, उसी सिचुएशन में आई, तो वह अभ्यास का नियम कार्य किया। और प्रभाव का नियम, यानी कि भोजन एक प्रभावी चीज़ है जो उसको सुखानुभूति देगा, तो इस तरह से वह भोजन
के लिए प्रभावित होगी। तो यह था प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें।